एक ओर जहां कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में पूरा देश आ गया है, वहीं ऐसे में प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन 3 मई तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है। केंद्र ही नहीं सभी राज्यों की राज्य सरकारें और पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों पर शादी समारोह जैसा नजारा देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस बैंड बाजे बजाकर लोगों को जागरूक कर रही है। ये बैंड सोमवार शाम को कोरोना वायरस पर आम लोगों और पुलिस को मोटिवेट करने के लिए शहर के बैंड संचालकों ने बजाए और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। बैंड प्रस्तुति में लॉकडाउन पालन के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पुलिस के जवान भी कोरोना वायरस का हेलमेट पहने हुए नजर आए, जिसको पहनने का मकसद था कि अगर आप लॉकडाउन तोड़ोगे तो कोरोना वायरस आपको अपनी चपेट में ले लेगा। बीमारी कोविड-19 वायरस जो पूरे देश में फैला हुआ है और लगातार कई लोग इससे संक्रमित होते जा रहे हैं, इसी लोगों के संक्रमण को रोकने के लिए और इस वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयास ग्वालियर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। कभी कभी कॉलोनी में जाकर गाने के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, कभी चौराहे पर जाकर संदेश दे रहे हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुए थे कि बैंड के माध्यम से ये दयाल बैंड जो स्वयं की तरह अपील की है उन्होंने कि बैंड के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, स्वस्थ रहें और इस वायरस से लड़ने में प्रशासन का मदद करें। ग्वालियर से न्यूज़ के लिए रविंद्र की रिपोर्ट।